वही लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। एक दंपति की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई है। इस गोली कांड में मृतक का बेटा भी गोली लगने से घायल हो गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला हमलावर मृतक राजेंद्र सिंह का रिश्ते में भांजा बताया जा रहा है। घटना इंदिरा नगर के तकरोही चौकी के अंतर्गत सेक्टर बी की बताई जा रही है। यहां रात 9 बजे के करीब पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। वही गोलीकांड में कुल 3 लोग घायल हो गए थे और सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। उनके बेटे श्रवण सिंह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। यह बहुत बड़ा मामला माना जा रहा है, जहां एक छोटे बच्चे के ऊपर हमला किया गया और वो हमलावर उसका भांजा बताया जा रहा है। आज दिनांक 16/7/2024 को थाना इंदिरा नगर का तकरोही चौकी क्षेत्रांतर्गत सेक्टर बी जया नगर मोहल्ला में एक गोली चलने का सूचना लगभग 9 बजे के आसपास पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच किया तो ये पता चला राजेंद्र सिंह पुत्र राम सुंदर सिंह एवं उनका पत्नी सरोज सिंह और उनका बेटा श्रवण सिंह को गोली लगी थी। तीनों को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर राजेंद्र सिंह को और सरोज सिंह को ब्रॉड डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया गया है। श्रवण सिंह का स्थिति सामान्य है, उनका इलाज चल रहा है। प्रस्तुत घटना में ये सामने आया कि उनका भांजा जो कि 17 साल उम्र है, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनका तलाश में पुलिस टीम लगी है। प्रस्तुत घटना पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई किया जा रहा है।